मध्य प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को दिन और रात के तापमान में भारी अंतर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिवाली से पहले ही गुलाबी ठंड ने प्रदेश के कई हिस्सों में पैर पसार लिए हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताते हैं। राजधानी भोपाल में दिनभर आसमान में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में कुछ कमी आई। वहीं रात के समय तापमान में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ गई। सुबह के समय हल्की धुंध का भी एहसास किया गया, जो कि सर्दी के आगमन का संकेत है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट की संभावना है, जिससे गुलाबी ठंड का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। मंगलवार को प्रदेश के कुछ जिलों में दिनभर आसमान में बादलों ने डेरा डाले रखा। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार खजुराहो में दिन का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान था। इसके अलावा गुना में 35.5 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर में 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। रात के तापमान की बात करें तो पचमढ़ी में 16.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का ये सबसे कम तापमान था। ये तापमान दिखाता है कि ठंड की दस्तक हो चुकी है और आने वाले दिनों में ठंडक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि में इंदौर, देवास, खंडवा, महेश्वर और हरदा जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये बारिश मौसम में और ज्यादा बदलाव ला सकती है, जिससे तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर देखा जा सकता है। ऐसे में लोगों को सर्दी के मौसम के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। गुलाबी ठंड के इस मौसम में रजाई और गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में ठंड का आगमन हो चुका है और मौसम में बदलाव के साथ ही लोगों को तापमान में फर्क महसूस होने लगा है। सर्दियों की शुरुआत के इस दौर में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस मौसम का सही तरीके से सामना किया जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही डेली वेदर अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकल 18।